वर्ल्ड एड डे जो है ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम यूएनडीपी ने जो रखी है वो है नो योर स्टेटस, मतलब आप अपना एचआईवी स्टेटस को जानिए। ये एक कहा गया है, ये भी सुने में आया कि केवल इंडिया है जो ड्रग सप्लाई करता है इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, 80% ऑफ द ड्रग्स टू द एंटायर वर्ल्ड, पूरे भारत, मतलब भारत ही सप्लायर है। विश्व में 80% से ज़्यादा जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं एचआईवी की, वो भारत इसको सप्लाई करता है। पहला चीज़ तो ये एचआईवी किसी को दे सकता है, हमको आपको किसी को दे सकता है, परंतु तो कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। पहला चीज़ जैसे माइग्रेटरी पॉपुलेशन, मतलब जो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं काम करने, उनमें थोड़ा देखा जाता है कि रिस्क ज़्यादा रहता है उनकी प्रणाली के कारण। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स पे, वो भी माइग्रेटरी पॉपुलेशन में ही आते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, तो उनमें थोड़े रिस्क बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जिसके कारण हाई रिस्क होता है। इसके अलावा हम लोग जो कहते हैं सेक्स वर्कर्स, ये हाई रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं। इसके ड्रग यूज़र्स जो इंजेक्शन यूज़ करते हुए एक ही इंजेक्शन बहुत बारी एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रखते हैं, ये हाई रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं। कितनी जागरूकता की अभी ज़रूरत है? जागरूकता की काफ़ी ज़रूरत है। पहले से काफ़ी जागरूक हुए भी लोग, ऐसा नहीं है, जो पिछले 5-10 साल के अंदर देखा जाता है कि काफ़ी लोग, उनको काफ़ी ज्ञान है और लोग समझने लगे हैं हमारे को, और ये भी समझने लगे कि ये ऐसे फैलता नहीं और किसी को हमें भेदभाव करने की जरूरत नहीं होती चाहिए। फिर भी काफ़ी जागरूकता की ज़रूरत है कि अभी लोगों को ये पता नहीं चलता कि क्या क्या चाहिए, चाहिए तो कितने जल्दी ट्रीटमेंट में जाना चाहिए, कब तक दवाई लेना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो हम लोग ये भी जाना चाहिए, ये जो हमने हाई रिस्क का है इनको भी हमें समझना चाहिए कि ये भी एक नॉर्मल बिहेवियर है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है कुछ गलत है। हमें कोशिश करना चाहिए इनको भी इनका स्टिग्मा हटाए, जब उनका स्टिग्मा हटा तो वो अपने आप ही आके टेस्टिंग कराएंगे, अपने आप नॉर्मल वो भी रहेंगे।